झालावाड़ में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते जिला परिषद की सीट से वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू यादव ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान अन्नू यादव ने कहा कि चुनाव अभियान में क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे परिवार की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों की लोगों ने तारीफ की है। जनसंपर्क में अन्नू यादव ने खुद की जीत का दावा किया है। गुरुवार को जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अन्नू यादव ने विभिन्न गांवों का दौरा कर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और आशीर्वाद लिया, साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इधर पीसीसी सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र यादव मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यहां 30 सालों से बीजेपी का जिला प्रमुख रहा है लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। हमने 60 गांवों में जनसंपर्क कर जनता को बीजेपी की सच्चाई बताई है। उन्होंने दावा किया है कि यहां जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा। इस चुनाव को हम इस दृष्टि से देखते हैं, गांव में जो समस्याएं होंगी उसका हम समाधान करने का अगर हम कोई पत्ते बैठते हैं तो बेहतर तरीके से उसको सुधारेंगे। मेरे पति जो है समाज सेवी है, जब हम बिना किसी पद पे हर व्यक्ति की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, तो अगर हम किसी पद पे बैठते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, यही हमारा प्रयास है। इस साल से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है झालावाड़ में, और कम से कम 60 गांवों में हम होकर है। उन गांवों की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि ये समझ में नहीं आ रहा आज तक, ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और हम तो वैसे ही सेवा करते हैं। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1947 के बाद वार्ड नंबर 8 से आज तक कांग्रेस की जीती और पहली बार कांग्रेस जीती और पहली बार झालावाड़ के अंदर 30 साल बाद